तो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे वायरल शख्स के बारे में जो कि आप लोगों को उसका वीडियो बहुत देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वायरल आईपीएस मिथिलेश के बारे में। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, वायरल आईपीएस मिथिलेश ने 2 लाख रुपए का जो ये सब शब्द का उपयोग किया कि मेरे मामा ने दिया था, ये सब सारा ढोंग था। अरे कहना क्या चाहते हो? और इसको सिर्फ वायरल होना था, फर्जी आईपीएस भी बन गया और बहुत सारा रील्स भी इसका वायरल होने लगा। उसके बाद ये एल्बम में काम करने लगा, भोजपुरी एल्बम में, और भोजपुरी सिंगर भी इसको इससे व्यू पाने के लिए बहुत सारे मगहिया सिंगर जो थे उसका फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों बताइए, कितना भी आप लोग यूट्यूबर में कोई भी वेबसाइट पे मेहनत कीजिए और कोई भी लड़का ये बिहार पुलिस का या कोई भी बिहार के वर्दी का अपमान कर रहा है, फिर भी उसको वायरल किए जा रहे हैं आप लोग। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। दोस्तों ये सरासर गलत है और ये फर्जी आईपीएस का जो मिथिलेश नाम है। तो दोस्तों, ये लड़का आजकल बहुत सारे एल्बम में भी काम कर रहा है, उसको बहुत सारे ऑफर भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, और कई सारे लड़कियां भी रील्स बना रही है इसके साथ। तो दोस्तों, यही है बिहार का शिक्षा, वर्दी के साथ खिलवाड़ भी किया और इसको वायरल भी किए जा रहे हैं लोग। तो दोस्तों, और दोस्तों इसको साथ ही देखो, शर्म भी नहीं है कि वायरल आईपीएस मिथिलेश के नाम से आईडी भी बना लिया और 117 के फॉलोवर भी इसका हो गया है। तो दोस्तों, यही है बिहार का शिक्षा, जो गलत करता है उसी को आगे वायरल करते हैं ये लोग, और जो मेहनत करे उसको तो कोई भी नहीं आगे करता है यार। तो दोस्तों, आप लोग अपने विचार को कमेंट में रख सकते हैं, जो भी विचार है किस प्रकार का आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दूंगा और अगली बार उसी प्रकार के वीडियो को मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा।